कि शाम के बज चुके हैं लगभग 4:30 और हम करने वाले हैं अपने सारे पशुओं की मिल्किंग। आप देख सकते हैं सारे पशु कुल्ली पर बंधे हुए हैं, सारे पशुओं को जो हमने फीडिंग करवा दी है और अब बस मिल्किंग की तैयारी है, क्योंकि मिल्किंग के बाद में हम सेलिब्रेट करने वाले हैं हमारे घर पर छोटे से नन्नू का बर्थडे। 1 साल का हुआ है अभी, यानी कि आज वह 1 साल का हो चुका है, तो हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट पूरे फैमिली मिलकर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा। तो जैसा कि सारे पशुओं की मिल्किंग कर ली है और जो दूध है उसको भी ठंडा करने के लिए पानी में रख दिया है, तो सारे पशु आप देख सकते हैं बाहर भी हमने बांध दिया है। और आज कुछ मौसम बरसात का हो रहा था, मोर इधर से उधर बारिश को देखते हुए, और आप देख सकते हैं हवा भी काफ़ी चल रही है और बादल भी काफ़ी होने की तैयारी में है, और बरसात होने की जो हल्की सी बारिश होती है तेज बारिश से पहले, तो मौसम की शुरुआत जो हल्की बारिश से होती है वही मौसम अभी चल रहा है। मौसम में नमी आ चुकी है और आप देख सकते हैं हवा भी काफ़ी तेज चलना चालू हो गई है। तो नन्नू के लिए बाइक हमने कल ख़रीद ली थी और काफ़ी इसको पसंद आई है। सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं बर्थडे की। फिर हम जाने वाले थे नाहरगढ़, क्योंकि डेकोरेशन और केक हमें लाना था, और जो मेहमान हमारे नन्नू के बर्थडे सेलिब्रेशन में आने वाले थे उनके लिए भी नाश्ता की व्यवस्था हमें करना थी। तो महिमा और मैं हम दोनों स्कूटी लेकर हमारे पास के जो शहर है, सिटी है छोटी सी, वहाँ पर केक और डेकोरेशन नाश्ता का सामान लेने चले गए थे। फिर हम पहुँच गए थे बेकरी पर, वहाँ हमने केक लिया और जो नन्नू है उसका नाम हमने केक पर लिखवाया। केक काफ़ी अच्छा था और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो फिर हमने हमारे छोटे नन्नू का जो नाम है सार्थक, हमने सार्थक भैया से बोला सार्थक लिख दो, उन्होंने नाम उसका लिख दिया था। तो आप देख सकते हैं केक देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था और काफ़ी बेहतर तरीके से भैया ने नाम इस पर लिख दिया था। डेकोरेशन वगैरह सारा सामान हमने ले लिया था और हम घर को निकल गए थे, क्योंकि डेकोरेशन भी हमें करना था, तो हम जल्दी से घर निकल गए थे। और घर पर आने के बाद में हमने डेकोरेशन स्टार्ट किया था, तो जैसे ही हम घर में आए तो बच्चों की चहल पहल आप देख सकते हैं, सारे बच्चे बाहर ही खेलते रहते हैं दिन भर। इसी प्रकार बर्थडे सेलिब्रेट किया हमने सभी फैमिली मेम्बर्स ने साथ मिलकर, और सभी को नाश्ता करवाई। नाश्ता होने के बाद में सभी ने डांस वगैरह किया और सभी फिर अपने अपने घर चले गए। तो इसी प्रकार से हमने एक छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट किया है अच्छे तरीके से, और सारे जो पड़ोसी हैं उनको, सारे मिलने वाले बच्चे हैं उनको सभी हमने साथ में मिलकर बर्थडे जो सेलिब्रेट किया था, सेलिब्रेशन है वह हो चुका है और सभी चले गए अपने अपने घर। और यही था आज का वीडियो, कैसा लगा आपको कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नई और सही जानकारी।